गंगापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ। पुष्पा जिंदा है नाना। अब रोल पुष्पा का।